भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धरती पर होती खेती है। जो भी जानकारी होगी इस कार्यक्रम में वो आप लोग व्हाट्सएप पे आएंगे, क्योंकि मोदी जी का नारा है कि डिजिटल इंडिया को कम से कम पेपर का इस्तेमाल करना, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम है बीजेपी कठुआ ऑफिशियल। आप देख सकते हैं इसमें समय से आगे किस प्रकार से रूपरेखा जो आ जाएगी। माँ भारती बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माँ कार्यकर्ता है हम तो प्रणब संगठन का भी जय घोष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष श्रीमान गोपाल महाजन जी, प्रदेश में महामंत्री और महामंत्री के नाते संसदीय क्षेत्र के प्रभारी के नाते हम सबको सेवा देने वाले डॉक्टर विजय कुमार मनियाल जी, आप सबका चीज है। अरे भाई मुनीश शर्मा जी, आप सब कार्यकर्ता सब जानते हैं, कार्यकारिणी का यही हक रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 3 महीनों में कार्यकारिणी होनी चाहिए जो संगठन रचना है। राष्ट्रीय स्तर पे होगा, प्रदेश स्तर पे होगा, जिला स्तर पे होगा, मंडल स्तर पे होगा, और जब शक्त हो जाएंगे यहाँ से सब कुछ मिलता है तो पोलिंग बूथ के ऊपर भी कार्यकारिणी होनी चाहिए। ऐसा संगठन उसमें तो सिंपल सी चीज बातें हैं कि हम वर्तमान की चर्चा करेंगे, भविष्य की योजना करेंगे, और जो भूतकाल पीछा चला गया उसकी समीक्षा करेंगे। जो हमारे 3 महीने पहले जब रेजोल्यूशन पास रहता है तो उससे भी अपना वृत्त देते हैं कि मैंने 3 महीनों में ये देख लिया जो कार्य उनको योजना के तहत किया गया। ऐसा रहता है हमारा कार्यकाल। एक मैं खेमा जानना चाहूंगा कि मेरे सामने सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, बड़े सारे बीडीसी बैठे हैं, बीडीसी बैठे हैं, मोर्चो के अध्यक्ष बैठे हैं, मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं। मंडल अध्यक्ष ने अपना वृत्त दिया और इतना जरूर याद रखना है कि हमें अच्छा के बाद में और अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहता है। केवल मन में ऐसा भाव आ जाता है कि मैंने तो, और दूसरा मुझे ज्यादा बात तो नहीं करके प्रभारी साहब बैठे थे अपेक्षित और उपस्थित सभी देश के कार्यकर्ता, वो हम कितना कर पाए और कितना रह गया थोड़ी सी जानकारी आप सबके द्वारा। साहब अध्यक्ष जो आएगी
मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अमर सिंह जी कर नहीं पा रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे तो भी साथ में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिमाग में रहनी चाहिए, ऐसे हमें कुछ टिप्स भी दिए थे। लेकिन होता यह है, हम उतार तो देते हैं, अब ये चीजें आप लोगों ने नीचे पहुंचाना, जो भी आपने यहां से दिया यही बातें नीचे कार्यकर्ताओं को बतानी, उनको बताएंगे तभी जो पार्टी का असली मकसद है, हम जो बूथ पे पहुंचने की बात करते हैं, और बूथ पे हमारा हमारी विचारधारा का कार्यकर्ता है, तो पार्टी की रीति नीति विचारधारा जिसके कर्म करने होगी, तभी हम बूथ पे जो एक सपना जो किसी वक्त आज से लगभग 70 साल पहले हमने देखा था कि ये विचारधारा जो सफल हो पाए हैं। लेकिन आप लोग जो यहाँ पे जो नींद बैठ के लग होगा, आप तो आम जनमानस में, आप किसी को खड़ा करो तो उससे पूछोगी फरवरी में कौन कौन से काम आपको दिए हैं, मार्च में कौन कौन से काम हमें पार्टी के करने हैं, ये सब चीजें हमें लिखनी है और नीचे करवानी है, ऐसी अपेक्षा जो है आप सबसे है। मैं ज्यादा नीचे मंडल की बैठक में आएंगे तो वहां आप सबसे अच्छी तरह से बात करेंगे। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन कार्यकाल में हम ताली बजा सकते हैं, नारा भी लगा सकते हैं, लेकिन जब कोई वर्ग होता है पार्टी तो उसमें ताली बजाना मना होता है। भारत माता की। तो सबको भूख लगी है, वैसे हम सबको ही लगी, तो मुझे लगता है थोड़ी देर के बाद आपको सबको भोजन यहाँ पर बहुत बढ़िया सीटी जी ने बनवाया, हम सबको भोजन मिलने वाला है। प्रभारी साहब आदरणीय हमारे जम्मू शांति जी साहब प्रभारी साहब, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल कर हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी मैं विशेष तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय जय भारत। शर्मा जी साढ़े सहप्रभारी, अमर सिंह जी सामने बैठे हुए, सारे कर्नल साहब, डीडी सरपंच साहिबान, स्पेशल कमेटी और विस्तारित विधायक हैं। साथियों, अच्छी इस कार्यक्रम मैं सब लोग पहले तो सिटू जी मुबारक देगा, देश जी ने जिन्हें बड़ा अच्छा से और कुतना कुतै समय का अभाव होने की वजह कन्नै प्रभारी साहब ने अपनी गल नहीं की पूरी, शायद उन्हें लगा कि सब सारे बहुत बड़ी जल्दी बैठे हैं। मैं अपना जरा संबोधन आपकी कर स्टार्ट किया, मैं इतने बजे तक तो सारे मिलकर साथ में कि पार्टी का महामंत्री होने नाते अस की चीज़ा प्रदेश साहब सीखने अपने दिल्ली जन्ने आपके कई प्लेटफॉर्म के उत्तर सीख रहे हैं और बड़े घट लोग उन्हें मिले कि मौका मिलेगा आपके बल होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नाम बैठे का या मोदी साहब ने अपनी बैठक करते हैं उस भाग्य का भी प्रॉब्लम होया, शायद मनीष जी भी कई अपनी बैठक से आए हैं, अमित शाह जी की ओर से कोई सौ कार्य करता गया श्रीनगर, मनीष जी भी आए, अस एक बड़ी छोटी बैठक के लिए बैठे हैं, बड़ी छोटी बैठक में 10 या 12 लोग और महामंत्री के नाते भी कम से कम कोई 5-6 बार ये मौका मिला मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर के नाम बैठना गलबात करना और दूसरी बात जो बैठे हो साथी उन्हें ही कूटी के बारे में पूछते हुए कूटी का ही पता अस्थित में बड़े नाम हो जाए जो अजोली कांड होया पीछे ही मिलता है कैसा जो
छोटी जी यूनिट है।